हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज बसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोमवार के लिए मैं आपके लिए स्टॉक्स लेकर आ चुका हूं, बाहुबली स्टॉक्स। और जैसे कि आपको लगता है कि अब कौन से स्टॉक्स हैं कल इंट्राडे पे आपको अच्छे से रिटर्न देकर जा सकते हैं, और कल मंडे के मार्केट पे कौन से स्टॉक्स आपको बहुत बढ़िया से पैसा कमा के देंगे। सो गाइस, हम आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका एक पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से हमने आपको अपनी वीडियो पे करके दिखाया हुआ है, जो कि इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो अभी अपलोड करी है, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। इसका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म टारगेट क्या है वो भी सारा आपको कुछ पता चल जाएगा। सो गाइस, इंट्राडे की बात करें तो 1591-1518 तक के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। 1616 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर रखना पड़ेगा। एशियन पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। गाइज, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और रेंज पे हमें लगता है कि अगर ये 1807 के ऊपर निकल जाता है सो वहां पर हम एक रेंज के हायर साइड तक जा सकते हैं, जो कि 1840 है। पर इंट्राडे की बात करें तो अगर 187 का ये ब्रेकआउट देता है कल और सस्टेन करता है, तो 1813-1821 के इंट्राडे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। 1794 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पीवीआर भी गाइस एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और हमें हायर साइड से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सो गाइस, 1333 की इसकी क्लोजिंग है। सो गाइस, 1333 का अगर ये लेवल ऊपर की तरफ तोड़ती है तो हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना, पर अगर 1330 का लेवल ब्रेक कर देती है नीचे और डाउन साइड की तरफ जाती है और सस्टेन करती है, तो 1830 की अगर ये नीचे जाती है तो हमें शॉर्ट पोजीशन करनी है, और जो टारगेट है हमारे 1822-1811 का होगा। स्टॉप लॉस हमें 1841 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर रखना पड़ेगा। टीसीएस गाइस शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। टीसीएस के अंदर एक बियरिश साइफर बनते हुए देखा है हमें टीसीएस के अंदर, तो वहां पर हमारे लिए एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट है। 1300-2223 का इसकी क्लोजिंग है, 2220 के नीचे रुकता है तो शॉर्ट करिए। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 2214-2207 तक के टारगेट्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2233 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वोल्टास भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, वो हमें कल अच्छे तरीके से पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि ये कितनी डाउनसाइड में जा सकता है, और कल इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड हो जाएगी कि इस पर ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है, क्योंकि गाइस इसमें एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक पैटर्न बन रहा है और वो लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर ये था और सस्टेन कर रहा था, एक पैटर्न डेवलप हुआ है। सो एक ये शॉर्ट कैंडिडेट है और कल इसकी कन्फर्मेशन मिल जाएगी अगर ये कल हमारे टारगेट्स तक अचीव हो जाता है और इसके पास ही क्लोजिंग दी जाता है। सो 749 के नीचे आपको इसको शॉर्ट करना है। 744-738 तक की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 758 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके राइस रखना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर सारी वीडियोस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से मैं अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको चार्ट्स के बारे में, हर एक चार्ट के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या शॉर्ट टर्म, क्या इंट्राडे, क्या मीडियम टर्म, क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, बाय साइड में, शॉर्ट साइड में, और किसी ने भी कोई पोजीशंस होल्ड करी हुई है तो कैसे एग्जिट करना है, कितनी परसेंट में जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस में बताई जाएंगी। सो रिलायंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके वॉच करिए, यहाँ पर आई सेक्शन पे आपको दिख गया होगा रिलायंस और येस बैंक दोनों की वीडियो। और गाइज आपको यहाँ पर वीडियो दिख रही होगी, यहाँ पर भी आपको रिलायंस और येस बैंक की वीडियो दिख रही होगी। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको यूट्यूब का आइकन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसे दबा के यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, और रिलायंस और उसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए कि गाइस सब लोग भी फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस, मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।